इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी जिसके खिलाफ भी जो भी सबूत आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक जो विषय जो कि चल रहा है कि जो डेरा चीफ को एप्रीहेंड उनकी अरेस्ट करने के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार इसका खंडन करती है। पहला विषय यह है कि उनको हेलीकॉप्टर से क्यों ले जाया गया, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट वाज प्योरली ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, क्योंकि उनको सुनारियाँ जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे है रोहतक के विसिनिटी में, क्योंकि उनको वहाँ लेके जाना था और जो सिक्योरिटी हालात थे वो बाई रोड ले जाना बिल्कुल जनहित में नहीं था, तो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था का सवाल भी है, दी हेलीकॉप्टर वॉज अरेंज बाय दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ पेड फॉर दी हेलीकॉप्टर। और जैसे कि आप तो जानते होंगे कि सुनारिया में हमारा हरियाणा पुलिस का और हरियाणा गवर्नमेंट का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक हमारा वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको हम PTC सुनारिया कहते हैं, और उसके बगल में वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक है, तो उनको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक में उनको रखा गया है। और जैसा कि अन्य किसी कैदी को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये कहा गया कि वहाँ पे एयर कंडीशनर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक उनके खाने का सवाल है, जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है वही उनको दिया जा रहा है, और जो उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी थी द मोमेंट ही वॉज अरेस्टेड दी जेड प्लस सिक्योरिटी स्टूड ऑटोमेटिकली विड्रॉ। जी इसमें अगेन जो मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ वो ये है कि जो कल का घटनाक्रम था उसमें चाहे जो डेड हैं चाहे जो इंजर्ड हैं उनमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें एक भी लोकल व्यक्ति नहीं उनमें पाया गया है, और जितने भी लोग थे ये वो लोग थे जो कि बाहर से आए हुए थे और जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते थे, और जो स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई उसमें जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती थी और जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश थे स्ट्रिक्टली उसके तहत पुलिस के द्वारा और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई। देखिए जो कल का घटनाक्रम था उसमें दो मुख्य बातें थी। पहली बात जो थी उनको डेरा प्रमुख को सरसा से पंचकूला लाने की थी, और पंचकूला लाने की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी, वो उनको संबंध गया था, वो अपनी मर्जी से वो यहाँ आए हैं। उन्होंने रात को हमें बताया कि मैं आ रहा, हम सुबह चलेंगे 8 बजे, और वो 9 बजे चले। रास्ते में जो सुरक्षा प्रबंध थे उनके थे, गाड़ियाँ उनकी जो चल रही थी वो उन्हीं की गाड़ियाँ थी। कोर्ट प्रीमिसेस में खाली 5 गाड़ियों को अलाउ किया गया और उतने ही आदमियों को अलाउ किया गया जितने आदमी अंदर जा सकते थे, और जब तक प्रनाउंसमेंट नहीं हुई जजमेंट की जब तक स्थिति बिल्कुल शांति रही, उससे पहले भी पूरे प्रदेश में। और एक बारी जब उनकी कन्विक्शन हो गई, कन्विक्शन के बाद थोड़ी बहुत ही टसल हुई है, वो हमने उसका FIR दर्ज कर दिए उस बारे में, और उस जजमेंट के बाद जो उनके भगत थे बाहर, जो उनके श्रद्धालु थे, जो लोग वहाँ आए हुए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया, और जो जजमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करी। हाँ
आईजी साहब को स्लैप नहीं किया, उनके साथ कहा सुनी हुई है, उनको बिठाने पर मैन हैंडलिंग कोई नहीं हुई। वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते थे, जो गाड़ी वो लेके आए थे, लेकिन क्योंकि वो एक्यूज थे, वो उनकी सजा सुना दी गई थी, उनको सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में फॉर सिक्योरिटी रीजन ले जाना बड़ा जरूरी था। इस बात को लेके थोड़ी कहा सुनी हुई है और हम उनको पुलिस की गाड़ी में, पुलिस व्हीकल में उनको बाहर ले गए, जिसके लिए कि छोटी छिपा दी है। वो उनकी डॉटर है और वो उनके साथ गई थी और अब वो उनके साथ नहीं है। जेल में जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, वो सुनारियां जेल में, रोहतक में जेल के अंदर हैं। और ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जनरली पंचकूला में क्योंकि जेल नहीं है, हम सारे एक्यूज को अंबाला जेल में ले जाते हैं। अंबाला जेल में हमें पता था कि अगर उनकी कन्विक्शन होगी तो दिक्कत होगी, इवन अंबाला में रास्ते में भी दिक्कत होगी, तो वैसे हमने एक रास्ता खाली रखा हुआ था। लेकिन बात सुनो नहीं, हाँ ठीक है, ये हम चेक करा लेते। ऐसा है कि जब भी कभी उग्र भीड़ होती है उस पर एक हमारा पुलिस का सीआरपीसी इंजन है, पहले उन पर अश्रु गैस का यूज़ किया जाता है, अश्रु गैस से काबू नहीं आते, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के बाद भी अगर भीड़ उग्र ज़्यादा हो जाए, आगजनी शुरू कर दे, उसके बाद फायरिंग का प्रोसीजर होता है। वो जो समय, आप मेरी बात सुनिए, उस समय के बीच में फिर फायरिंग शुरू की जाती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस के ऊपर, मैंने कल खुद स्वयं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, कल मैंने स्वयं इस ऑपरेशन को लीड किया और 3 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरे पंचकूला एक, देखिए ऐसा है, जब एक्शन होता है तो पुलिस कई बार साइड पे रह जाती है, मॉब कई बार ज़्यादा बीच में आ जाता है। एक मिनट, नहीं, मैं होंगे, आप मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन, ऐसा है कि पुलिस कई बार की टुकड़ी कम हो जाती है, 50-100 आदमी होते हैं, मॉब बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो सेफ्टी के लिए थोड़ा पीछे होना पड़ता है, फिर रीग्रुप करना पड़ता है। तो ये जो है, कभी वो आगे और कभी हम पीछे, ये चलता रहता है। लेकिन किसी भी जगह से हरियाणा पुलिस भागी नहीं है और पूरा ऑपरेशन सख्ती के साथ और संयम के साथ पुलिस ने किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने किया है, आर्मी भी हमारे पास थी लेकिन हमने आर्मी का बिल्कुल यूज नहीं किया। ऐसे है कि आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इसका लॉ एंड ऑर्डर का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटीज भी क्लियरली डिफाइंड है, जो साथ में पुलिस होती है उनका भी है। और क्योंकि ये अभी कल का ही घटनाक्रम है, तो अभी इमीडिएटली मेरा संभव नहीं आपके जवाब का। ये तो अब जैसे कि काफ़ी वीडियोग्राफी भी की गई है, उसमें से जो बात निकल के आएगी, अगर किसी ने अपनी ड्यूटी में कोताही की है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हाँ हो गया,